हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आपके साथ जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो, समझ ना रहा हो क्या बनाया जाए, तो फटाफट हम 10 मिनट में सत्तू की बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आइए इसे हम शुरू करते हैं। सत्तू की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम चने का सत्तू बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर भुने हुए चने लिए हैं। चनों को हम हाथों से मसलते हुए इसके छिलके अलग निकाल लेंगे। चने के हमने छिलके निकाल लिए, इसे हम मिक्सर में पीस कर इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। सत्तू को हम छन्नी से छान लेंगे। हमारा चने का सत्तू बनकर तैयार है। अब मैंने गैस पर एक पैन रखा है, इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। घी हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें हम डालेंगे मावा। मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मावा। मावे को हम धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। आज हम सत्तू की बर्फी बना रहे हैं। सत्तू की मैंने और भी कई रेसिपी आपके यहाँ शेयर की है, जैसे सत्तू के लड्डू, चने के पेड़े। नमकीन आप चाहते हैं तो सत्तू का पराठा भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। इनके भी सभी वीडियो मैंने बनाए हैं, जिसकी सभी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट मावे को मैंने भून लिया है। इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है और इसमें से घी भी छूटने लगा है। हमें मावे को ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इस पर डालेंगे शुगर पाउडर। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप शुगर पाउडर। ग्राम्स में देखेंगे तो 200 ग्राम शक्कर है। शक्कर को मैंने मिक्सर में बारीक पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लिया है। साथ ही जो हमने चने का सत्तू तैयार किया था, वो भी इसमें हम डालते जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम सत्तू। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम सत्तू डालेंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स करते जाएंगे। सत्तू की बर्फी बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई चाशनी की झंझट नहीं है। फटाफट आप मिक्स करेंगे और 10 मिनट में आपकी बर्फी तैयार हो जाएगी। शक्कर हमारी अच्छे से घुल जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। देखिए, मिश्रण को हमने लगभग 3 से 4 मिनट पकाया है। मिश्रण हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम जमने जैसी है। मिश्रण हमारा पैन भी छोड़ रहा है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर। 4 से 5 इलायची को पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। मिक्स कर देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। बर्फी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रे ली है। इस पर हम घी लगाकर चिकना कर लेंगे। इस पे हम डालेंगे हमारे बर्फ़ी के मिश्रण को। अच्छे से हम इसे फैलाते हुए सेट कर देंगे। ऊपर से मैं डाल रही हूँ उसमें बारीक कटी हुई बादाम। सत्तू की बर्फी को लगभग हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। देखिए, हमारी सत्तू की बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। 10 से 15 मिनट बाद मैंने इसमें कट लगा दिए थे। अब हम इसके पीस निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारी सत्तू की बर्फी बनकर तैयार है। आप भी बनाइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।